डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन। रिएक्शन क्या है? 2NO गैस प्लस O2 गैस रिवर्सिबल 2NO2 गैस। आपको एक रिएक्शन दी गई है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में बता रहे हैं। कह रहा है कि द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस इज 86.6 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो डेटा आपको दे दिया है वो ये दे दिया है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO जो है वो आपको दे दिया है 86.6 किलो जूल पर मोल। और आप इसको डेटा अगर ऊपर देखिए तो यहाँ पर 86600 यानी कि जूल में बदल लिया है, यानी 86600 जूल पर मोल ये हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है ना? ठीक, टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी गई है, टी की वैल्यू दी गई 298 केल्विन, सही है। कह रहे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। ठीक है, यानी कि आपसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? ये आपसे पूछा गया है एट 298 केल्विन इसी टेम्परेचर पे, और KP की वैल्यू आपको दे दी गई यहाँ पर। KP इक्वल टू दिया 1.6 × 10^12। अभी जो सारा का सारा डेटा आपको दिया गया है, उस डेटा के हिसाब से आप अगर यहाँ पर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है बड़ा सा दिख रहा है बट है बहुत ही आसान, और सिर्फ दो फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन लग जाएगा। कौन कौन से फॉर्मूले? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इसका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा है? तो प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो ये है NO2 है, तो ये हो जाएगा 2 × हो जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ NO2 जो कि हमें पता भी करनी है, और माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास रिएक्टेंट 2 है तो ये हो जाएगा 2 × डेल्टा जी नॉट ऑफ NO जो दिया हुआ है, और प्लस हो जाएगा डेल्टा जी नॉट ऑफ O2। अब O2 एलिमेंटल फॉर्म में है इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई ना? ठीक है, अच्छा तो अब इसको रिलेट किससे करते हैं? तो देखिए, एक फार्मूला आपको और समझ में आता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए माइनस RTln K, और K की जगह यहाँ पर हम क्या कर देंगे, KP कर देंगे। तो ये डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RTln KP हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा माइनस RTln KP हो जाएगा।
माइनस आर, तो देखिए यहीं पर ही है, तो आर ये हो जाएगा, टी की वैल्यू दी गई है कितनी 298, तो ब्रैकेट में इसको 298 कर देते हैं। और एलएन जो होगा, केपी की वैल्यू भी दी गई है 1.6 इंटू 10 to power 12, ठीक है, इक्वल टू, अब 2 इंटू डेल्टा जी नॉट, तो यही तो पूछा है मेरे से भाई, एनओ टू का ही मेरे से पूछा गया है, कहाँ गया ये एनओ टू का पूछा गया, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 इंटू डेल्टा जी नॉट ऑफ एनओ टू, ठीक है ना, माइनस, अब 2 इंटू, अब डेल्टा जी नॉट ऑफ एनओ, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ एनओ की वैल्यू ये दी गई है कितनी, दी गई 8660, ये वैल्यू आपको दी गई है, क्योंकि ये वैल्यू तो जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है ना, तो ये हो गई। अब आप सोचो कि ये वैल्यू आप इधर साइड ले आओ, जब आप इसको इधर साइड लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया 2 इंटू डेल्टा जी नॉट एन ओ टू इक्वल टू हो जाएगा जाके 2 इंटू 8660 और माइनस हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 298 और ब्रैकेट में हो जाएगा, सॉरी 298 के बाद एलन और ब्रैकेट में हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to power 12, ठीक है ना। अब आप सोचो कि इस पूरे को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो जब इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 ये वाला 2 डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा जी नॉट एन ओ टू इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5, तो ये वैल्यू होगी 0.5, ये हो जाएगा 2 इंटू 8660 माइनस ये हो जाएगा आर 298, ठीक है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा एल एन और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 to power 12, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया, आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि आंसर जो होगा वो डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.5 टू इंटू 8660 माइनस आर 298 एल एन 1.6 इंटू 10 to power 12, ठीक है ना, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A रिवर्सिबल बी प्लस सी इज 2494.2 जूल। कह रहा है एट द गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 1/2। कह रहा है द रिएक्शन प्रोसीड इन द, पहला कह रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज क्यू ग्रेटर देन के सी, फिर बी कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज क्यू ग्रेटर देन के सी, फिर सी कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज क्यू लेस देन के सी, और डी कह रहा है रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज क्यू लेस देन के सी, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब एक बार जरा यहाँ पर आप एक बात समझो कि अगर क्यू जो होगा वो लेस देन के सी होगा, क्यू अगर लेस देन के सी होगा तो रिएक्शन जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और क्यू ग्रेटर देन के सी होगा तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जरा अब देखो कि क्यू ग्रेटर देन के सी है तो रिएक्शन जो होगा बैकवर्ड दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो होगा वो सही है, फिर इसके बाद कह रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये डी गलत है, यानी आंसर आपका बी और सी में से दोनों में से कोई एक होगा, बट उसके लिए आपको क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके और फिर के सी से कंपेरिजन करना पड़ेगा। चलिए अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन के लिए अगर हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर हम इस रिएक्शन के लिए क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस रिएक्शन में हो जाएगा बी कंसंट्रेशन इंटू सी कंसंट्रेशन और बाय हो जाएगा क्या ए कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी की कंसंट्रेशन आपको 2 दी गई है इंटू सी की कंसंट्रेशन आपको 1/2 दी गई है और बाय ए की कंसंट्रेशन जो आपको दी गई है वो भी 1/2 दी है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू टोटल आ जाएगी 4, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट होगा, ये रिवर्स हो गया तो 4 वैल्यू आ गई, क्योंकि वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब देखिए एक फार्मूला आपको याद आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू, सही है ना, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 2494.2, ठीक है ना, और प्लस 2.303 इंटू आर की वैल्यू आपको दी गई है इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू आपको दी गई है 300 केल्विन और ये हो जाएगा लॉग क्यू की वैल्यू 4 दी गई है। अगर आप ये सारा का सारा डेटा देखो तो इस सारे के सारे डेटा में जो होगा लॉग 4 को आप बदल सकते हो 2 लॉग 2 में बाई 4 जो होगा 2 की पावर 2 हो जाएगा और 2 लॉग 2 में, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी और जब इसमें ऐड हो जाएगी तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे आंसर आ रहा है।
तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब जरा एक फॉर्मूला और देखो, डेल्टा जी इक्वल टू होता है 2.303 RT log Q/K। Q/K होता है, K की जगह यहाँ KC हमने ले लिया, ठीक है ना। अब एक बात ये बताओ कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि Q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, KC हो जाएगा। बस में इस फॉर्मूले से जरा देखो कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू हमें पॉजिटिव लानी है तो मेरे पास क्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, के सी होना चाहिए। तो क्यू ग्रेटर देन के सी हो गया, और अगर क्यू ग्रेटर देन के सी है तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, यानी आंसर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो डेटा दिया था, उससे हमने क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने डेल्टा जी को देखा कि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आ रही कि प्लस में आ रही, और उसके बाद ये दो फॉर्मूले को कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके एक फॉर्मूला आया 2.303 RT log Q/KC, और हमने ये समझ लिया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो उस केस में क्यू ग्रेटर देन के सी होगा, और अगर क्यू ग्रेटर देन के सी होता है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, यानी बी आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द इंटरमॉलिक्युलर इंटरैक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज, पहला ऑप्शन है आयन आयन इंटरैक्शन, दूसरा है आयन डायपोल इंटरैक्शन, तीसरा है लंदन फोर्सेस, और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन चारों में हमको देखना है कि कौन सा जो होगा वो इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल होगा। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। देखिए, ए की बात आए में क्या है, आयन आयन इंटरेक्शन है, आयन आयन इंटरेक्शन का मतलब मान लिया एन ए प्लस है और ये सी एल माइनस है, ठीक है ना। तो इनके बीच में इंटरेक्शन है। अब ये इंटरेक्शन जो होता है, ये आयन आयन इंटरेक्शन जो होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है ना। ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। इसका मतलब ये जो होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सल स्क्वायर होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, ठीक है ना। इसके बाद में बी बात कर रहे हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन की। तो आयन डायपोल होता क्या है, आयन डायपोल ये होता है कि जैसे सपोज करो कि आई थ्री माइनस का फॉर्मेशन करना है, तो ये आई माइनस हो गया, और इसके बाद भी यहाँ पर कैसा हो गया, ये थोड़ा सा आई सी एल की बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई और ये सी एल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, ये बन गया कैसा, ये क्या है, डायपोल है, और ये डायपोल जो होगा वो क्या कर रहा है, आयन के साथ में इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो आयन डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, आयन डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो तो हाइड्रेशन की प्रोसेस भी जो होती है वो आयन डायपोल होती है। ये एल आई प्लस है, ये आयन है, और यहाँ पर वाटर का निगेटिव पार्ट जो होगा जो कि डायपोल की तरह एक्ट करता है, वो जो होगा इससे इंटरेक्शन करेगा, यानी कि जो हाइड्रेशन ऑफ आयन होता है ये भी आयन डायपोल का एग्जाम्पल होता है। आयन डायपोल की अगर आप बात करते हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आर क्यूब के, ठीक है ना। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन जो होता है वो आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सी देख लेते हैं, तो सी में आता है लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस की बात करें या फिर हम इसको डिस्पर्सन फोर्सेस की बात करें, ये बात एक ही हो जाती है, ठीक है ना। और लंदन फोर्सेस जो होती है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में मिलती हैं, चाहे वो कोवेलेंट हो, चाहे एनिक हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे मेटेलिक हो, बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस होती हैं, इसीलिए सब में मिलती हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की पावर सिक्स के, ठीक है ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर पावर सिक्स के। अब डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर हम आंसर को देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये होता है कि हाइड्रोजन जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है तो वो पोलराइज हो जाता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये पोलराइज हो जाता है। और जब ये पोलराइज हो जाता है तो फिर ये दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है, और इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर आप देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि एक तो डायपोल ये वाला है, एक तो डायपोल ये वाला है, इसमें दो पोल हैं, प्लस पोल माइनस पोल, और एक डायपोल जो होगा वो ये वाला है। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो इज अ काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब, यानी कि ये भी जो होता है वो इन्वर्स क्यूब रहता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब मेरे पास पंगा हो गया कि मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, बी और डी, दोनों ही जो हैं वो कैसे इन्वर्स क्यूब के आंसर हैं, और हमसे हमें सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है, हमसे एक ही आंसर देना है।
तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आयन जो होगा वो डायपोल को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसके पास में फाइनल चार्ज है, मतलब कि एक एक जो होगा फिक्स्ड चार्ज है। और आयन डायपोल, अगर डायपोल की बात करेंगे तो ये डायपोल में जनरेटेड चार्ज है, यहाँ पर इसके पास में कैसा परमानेंट चार्ज है, बट इसके पास कैसा पार्शियल चार्ज है। तो पार्शियल चार्ज का इंट्रैक्शन अगर आप देखो और एक परमानेंट चार्ज का इंट्रैक्शन देखो, तो परमानेंट चार्ज का इंट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, पार्शियल चार्ज से। इसकी वजह से यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयन डायपोल इंट्रैक्शन जो होगा वो उसकी वो जो होगा डोमिनेट करेगा किस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और आंसर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपसे कह रहा है कि द आयनिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N3-O2- एंड F- रिस्पेक्टिवली आर, ऑप्शन ए दिया है 1.36 एंगस्ट्रॉम और 1.40 एंगस्ट्रॉम एंड 1.71 एंगस्ट्रॉम, दूसरा दिया है 1.36 से 1.71 1.4, तीसरा दिया है 1.71 1.4 1.36, चौथा दिया है 1.71 1.36 1.4। अब इस तरह के क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट कहता है कि सर डेटा तो याद ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे लगेगा, बट यहाँ पर डेटा का कोई काम ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, कैसे जरा देखते हैं। देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है N3- दिया है, O2- दिया है और F- दिया है। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि इन तीनों में किसका एटॉमिक साइज सॉरी आयनिक साइज जो है वो बड़ा है, तो आप कहोगे कि सर इसको हम चेक कर लेंगे किससे चेक कर लेंगे, E/P रेशियो से, किससे कर लेंगे, E/P यानी इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो से, ठीक है ना। तो अगर आयनिक साइज हमको देखना है और वो भी किस में देखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, किसमें देखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब आप कहोगे सर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, आइसो का मतलब हो गया सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनमें अगर देखना है तो आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E/P रेशियो के, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो होगा उतना ही आयनिक साइज ज़्यादा होता है। चलिए पहले ये देख ले कि इनमें क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चलो देखते हैं भाई नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 और प्लस ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10। चलो भाई ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10। फ्लोरीन में कितना है इलेक्ट्रॉन 9 प्लस 1 माइनस हो गया, टोटल 10, यानी कि इन सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज हो गया, यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। मतलब यहाँ पर हम E/P लगा सकते हैं, तो भाई लगा लेते हैं। तो चलो भाई देखो इसमें भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, सही है भाई। प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, प्रोटॉन इक्वल टू कितना एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। अब आपको समझ में आ रहा है ये वैल्यू ज़्यादा है किससे, इससे, और ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया E/P का, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आयनिक रेडियाई का, ठीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा रेडियस जो होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी। अच्छा अब मेरे पास डेटा जो दिया हुआ है वो दिया है 1.71 दिया है, फिर 1.4 दिया है, फिर 1.36 दिया है, तो सबसे ज़्यादा डेटा बड़ा ये वाला है, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि ये जो होगी वो नाइट्रोजन की और लास्ट वाली किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो इसका मतलब है नाइट्राइट और फ्लोराइड का जो होगा वो इस तरह से सी आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज़ इट्स हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी, ऑप्शन दिया है CaSO4, बी दिया है BeSO4, सी दिया है BaSO4 और डी दिया है SrSO4। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो आपसे सॉल्युबिलिटी का भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, बात समझे ना। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं मैटर को यहाँ पर और समझते हैं। देखिए आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल आपको मालूम है कि सेकेंड ए ग्रुप में है, और सबसे पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, इसके बाद में कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, उसके बाद बेरियम, और बाद में आता है रेडियम। बट रेडियम चूंकि रेडियो एक्टिव है इस वजह से हम उसमें मेजर प्रॉपर्टीज़ नहीं देखते हैं, उसमें रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो हम बात यहाँ पर ज़्यादातर जो करते हैं वो बेरियम तक ही करते हैं। चलिए ठीक, बेरिलियम का साइज अगर ये वाला है तो मैग्नीशियम का साइज इससे बड़ा है, कैल्शियम का और बड़ा है, स्ट्रॉन्शियम का और बड़ा है, और बेरियम का दही बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ा है, ठीक।
अच्छा, अब एक बात यहाँ पर जरा समझो कि एक रूल होता है जिसको हम नाम देते हैं, क्या है, फजांस रूल नाम देते हैं इसको, हम क्या देते हैं, फजांस रूल नाम देते हैं। ये आपसे ये कहता है कि अगर स्मॉल कैटाइन है और उसके साथ स्मॉल एनाइन है तो बॉन्डिंग अच्छी बनती है, और अगर स्मॉल कैटाइन अगर लार्ज कैटाइन है और उसके साथ में लार्ज एनाइन है तो बॉन्डिंग अच्छी बनती है, लेकिन दोनों में से किसी का भी डिफरेंस अगर होता है तो उस केस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती है और मॉलिक्यूल जो होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। अब होता क्या है, होता ये है कि बेरिलियम और सल्फेट की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम का साइज छोटा और सल्फेट का साइज जो होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर बेरिलियम 2+ का साइज छोटा और सल्फेट का साइज कैसा है, बड़ा, जबकि अगर आप बेरियम की बात करो तो बेरियम में क्या होगा, बेरियम में सल्फेट का साइज जो होगा वो लगभग कंपरेबल हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लैटिस जो होगा, ये लैटिस जो होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको ब्रेक करने की एनर्जी हाई, तो हाई तो इसका मतलब है कि इसकी लैटिस एनर्जी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये जो होगा वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा। और आपको समझ में भी आता है कि BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 जो होता है ये क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो होगा वो ये जो होगा इसकी लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी, और यहाँ पर लैटिस एनर्जी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो यहाँ पर लो लैटिस एनर्जी क्योंकि ये लेस स्टेबल होगा और लो लैटिस एनर्जी हो जाएगी। अब इसके बाद जरा देखो यहाँ पर बेरिलियम का साइज कैसा है, छोटा है, तो जब छोटा है तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लगना शुरू हो जाएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रेशन जो होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और साथ ही लैटिस एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, लो होती है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा जो होगा वो सॉल्युबल होगा BaSO4, और सबसे कम सॉल्युबल जो होगा वो BaSO4 होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज़ इट्स हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कैसी है, हाई है, और लैटिस एनर्जी कैसी है, लो है। यानी आंसर जो होगा वो BaSO4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। आप ऑप्शन ए है Cl2, बी Br2, I2 और ICl। आपको इन चारों में से ये बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखो, अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl और ये Cl बॉन्ड है, फिर ब्रोमीन की बात करते हैं तो Br और ये Br बॉन्ड है, आयोडीन की बात करते हैं तो I और I बॉन्ड है, और ICl की बात करते हैं तो ICl बॉन्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई दोनों क्लोरीन एटम है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। ये वाला कैसा, नॉन पोलर। ये वाला कैसा, नॉन पोलर, बट ये वाला जो होगा वो कैसा हो गया, पोलर। ये वाला कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस चार्ज आएगा, आयोडीन पे कैसा आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से इस बॉन्ड को पोलराइज करना आसान है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग जो होगी वो कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसका मतलब जो होगा ये कैसा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये सारे के सारे नॉन पोलैरिटी की वजह से जो होंगे वो कैसे हैं, लेस रिएक्टिव हैं, बट ये पोलैरिटी होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो इस वजह से आंसर डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें कि दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट वन देखते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, बट दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, तो चलिए हम जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एटमॉस्फेयर में बात करते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है उसकी परसेंटेज ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और ये दोनों ही जो होते हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, एटमॉस्फेयर के। ठीक है ना, ये दोनों ही जो हैं वो कैसे होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो पहला का मतलब ये वाला जो है असर्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। ठीक,
दूसरा आप जरा एक बात जरा समझो कि नाइट्रोजन जो होता है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन ऐसा होता है कि नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में मतलब कि रूम टेम्परेचर में, बात समझ आई ना, जो होता है वो किस तरह से होता है, इनर्ट गैस की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह इनर्ट एक्ट करता है, इनर्ट गैस की तरह। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस, बात समझ तो इनर्ट गैस के केस में आप यहाँ पर नाइट्रोजन को जो है वो सेलेक्ट करेंगे अगर कोई भी इनर्ट गैस का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये जो होती है इनर्ट गैस की तरह एक्ट करती है। अब क्यों करती है भाई, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, और जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तभी आप इसका इससे दूसरा कंपाउंड बनाओगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाओगे। इसी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट टू है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, बात समझ आई ना, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, एंड सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, देन आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में जो दिया है वो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, और सेकंड इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। एंड सी में दिया है फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, और डी में दिया है फर्स्ट रॉन्ग है एंड सेकंड करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर आपका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से आपको ये बताना है कि जो हाइड्रोजन की पॉसिबल और एक्साइटेड स्टेट है उनमें से कौन सी एनर्जी जो होगी वो इसको सही आएगी, इसके हिसाब से करेक्ट आएगी, यानी फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से आपको करेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन ए जो है दिया है वो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, बी माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, सी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, और डी प्लस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर आपको हाइड्रोजन में अगर एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा याद आ रहा है, और याद आ रहा है माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। हालांकि ये जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1, ठीक है ना। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू होता है, और जेड की वैल्यू 1 माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कर देते हैं। अब यहाँ पर n क्या है, n जो होंगे वो पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, यानी n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात हमको समझ में आती है कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे माइनस में ही, 2 रखेंगे तो भी माइनस में, यानी कि माइनस वाले ही एनर्जी पॉसिबल स्टेट होंगे और प्लस वाले नहीं होंगे। इसका मतलब ए और डी जो होगा वो एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास आंसर जो होगा वो सी या बी में से कोई एक आएगा। चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एन की वैल्यू को 1 रखा, तो ये हो जाएगा ई 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 बाई 1 स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये तो है नहीं ऑप्शन, चलो भाई ठीक है। दूसरा n की वैल्यू को 2 रख लो, तो ये हो जाएगा e2 इक्वल टू माइनस 13.6 बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 बाय 4, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये वैल्यू है, तो भाई आंसर मेरा c जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है ना। क्या ये वैल्यू 6.8 होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई नहीं होगी। कैसे, देखो माइनस 13.6 से सीधे माइनस 3.4 पे आ गया, बीच में कोई रुकावट नहीं है, बीच में कहीं नहीं रुका, बस वही। तो 6.8 वैल्यू जो होगी वो पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी, आंसर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया पहले इनकरेक्ट को सर्कल करो, अब इनकरेक्ट माइंड में देखेगा कि भाई क्या होगा आंसर, ठीक है। H2O2 के हिसाब से आपसे पूछा, पहला कह रहा है कि इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि इट डिकम्पोज्ड ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ये लाइट में एक्सपोज करने पर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। सी कह रहा है कि इट हैज टू बी स्टोर्ड इन द प्लास्टिक और वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल इन द डार्क,
इसको जो है वो प्लास्टिक या वैक्स लाइन ग्लास बॉटल में रखा जाता है और डार्क में रखा जाता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं आने दी जाती है। दूसरा कह रहा है कि इस हैज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, इसको डस्ट से दूर रखा जाता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं और इसके बाद फिर इसके आंसर को देखते हैं। चलिए देखिए, H2O2 की अगर हम बात करें तो H2O2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। और परऑक्साइड नाम है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर O2-2- आपको मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा होगा और उसके पास ऑक्सीजन के पास जो होगा वो क्या होगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना है, -1। इसको थोड़ा हंसता हुआ दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये -1 होती है। अच्छा अब एक बात बताओ कि ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 है, और इसकी अगर हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2 है, और इसके बीच में आ जाएगा -1। बात समझ में आई ना, यानी कि ये जो है वो क्या +2 में भी जा सकता और ये -2 में भी जा सकता। अगर ये +2 में गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आई ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये कैसा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर ये -2 में गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया तो फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो अब हमको एक बात समझ में आ गई, क्या ये समझ में आ गया कि भाई H2O2 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने ओनली टर्म दे दिया, यही गलत टर्म दे दिया, और इसी वजह से यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है कि इट कैन एक्ट ओनली एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह ये यूज़ में आएगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इट डिकम्पोज ऑन द एक्सपोजर टू लाइट, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाता है, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में आ रहा है, तो उस केस में ये क्या करता है, ये जो होता है वाटर में और प्लस O2 गैस में ब्रेक हो जाता है। बात समझ आई ना, तो इसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है प्लास्टिक में या फिर वैक्स कोटेड लाइन, जो वैक्स कोटेड ग्लास बॉटल होती हैं उनमें स्टोर किया जाता है, और इसको डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको डस्ट से भी जो है वो दूर रखा जाता है, क्योंकि डस्ट के साथ भी ये रिएक्शन कर जाता है। तो इस तरह से आपको एक बात समझ में आ रही है कि B, C और D ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट ऑप्शन है, बट आपको ढूंढना तो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल वॉज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन 0.06 नॉर्मल इन द फ्लास्क। आफ्टर एन आवर इट वॉज फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फिल्ट्रेट वॉज फाउंड टू बी 0.042 नॉर्मल। द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल इज। क्या कह रहा है, आपके पास में क्या था, एक एसिटिक एसिड था और ये एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ 0.06 नॉर्मल थी, और ये आपने 50 ml लिया। उसके बाद इसमें आपने क्या किया कि 3 ग्राम चारकोल मिला दिया। अब चारकोल ने क्या करा कि एसिटिक एसिड को एड्जॉर्ब किया, एड्जॉर्ब करने के बाद आपने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया। आपने क्या किया, इसको फिल्टर कर दिया, और फिल्टर करने के बाद जब आपने देखा कि यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ मिला, एसिडिक एसिड मिला है, उसकी स्ट्रेंथ 0.042 नॉर्मल है। बात समझ आई ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी, 0.042 नॉर्मल है, 0.06 नॉर्मल से 0.042 नॉर्मल हो गया, यानी कि घट गई स्ट्रेंथ, घट गई ना, 0.06 से 0.060 से 0.042 हो गई। वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो भाई वॉल्यूम में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि चारकोल ने क्या किया, सिर्फ एसिटिक एसिड को एड्जॉर्ब किया, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 50 ml ही है। तो कह रहा कि आपको जो है वो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब बताना है, आपको ये बताना है कि जो एड्जॉर्ब एसिटिक एसिड है वो कितना है बाय द 1 ग्राम ऑफ चारकोल, 1 ग्राम ऑफ चारकोल, 1 ग्राम ऑफ चारकोल, ठीक है ना। चलो भाई देख लेते हैं जरा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा सही,
अब मेरे को भाई एक बात बताओ कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे सर CH3COH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COH। तो एक बार बताओ कि कितने H प्लस आयन देगा? तो ये H प्लस आयन देगा 1, और जब ये H प्लस आयन 1 देगा तो इसका मतलब है कि इसका N फैक्टर कितना हो गया? 1। और 1 हो गया तो इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी इक्वल टू इसकी मोलैरिटी हो गई। इसका मतलब ये जो है वो हो जाएगा 0.042 मोलर हो जाएगा, और ये जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0.06 मोलर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ कि इनिशियल मोल, अगर मैं देखूं कि इनिशियल मोल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, तो क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बट वॉल्यूम तो ml में है, तो इसलिए ऐसा करो कि इसको मिली मोल कर दो। तो इनिशियल मिली मोल ऑफ मिली मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml हो जाएगा। अब मोलैरिटी कितनी है? 0.06 इनटू वॉल्यूम इन ml कितना है? 50 है। तो ये कितना आ जाएगा? 3 मिली मोल आ जाएंगे। ये जो होंगे वो 3 मिली मोल्स आ जाएंगे। फाइनल मोल की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मोल को देखो, अगर फाइनल मिली मोल को देखो अगर भाई, ठीक है, तो फाइनल मिली मोल में क्या हो जाएगा? मोलैरिटी कितनी दी गई है? 0.042, और इनटू वॉल्यूम उतना ही 50 ml, यानी कि ये हो जाएगा 2.1 मिली मोल। ठीक है ना, ये तो 2.1 मिली मोल्स हो गए, और ये कितने मिली मोल्स हो गए? 3। तो भाई कितने एडजॉर्ब किए होंगे? तो एडजॉर्ब मिली मोल कितने हो गए? एडजॉर्ब मिली मोल कितने हो गए? तो एडजॉर्ब मिली मोल हो गए जाके 3 माइनस कितना हो गया? 2.1। तो एडजॉर्ब मिली मोल हो गए 0.9 मिली मोल। ठीक है ना, 0.9 मिली मोल इसके एडजॉर्ब हो गए। बट वो कह रहा है कि अमाउंट बताना है, नहीं कि वेट में आपको बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.9 मिली मोल, 0.9 मिली मोल इक्वल टू 0.9 इंटू इसका एसिटिक एसिड का जरा कैलकुलेशन करो मॉलिकुलर वेट। तो ये 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, और ये वैल्यू आ जाती है 60। ठीक है ना भाई, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये वैल्यू टोटल आ जाती है कितनी? 60। तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 54। और चूंकि मिली मोल है इसलिए आंसर किस में आ गया? मिलीग्राम में आ गया। तो यानी कि 54 मिलीग्राम जो होगा वो एडजॉर्ब हो गया। बट 54 मिलीग्राम एडजॉर्ब किसने किया? 3 ग्राम ने। 54 मिलीग्राम जो होगा, 54 मिलीग्राम एसिटिक एसिड जो एडजॉर्ब किया वो किसने किया? 3 ग्राम ने। तो भाई 1 ग्राम ने कितना एडजॉर्ब किया? तो 1 ग्राम ने एडजॉर्ब किया 54/3, यानी 18 मिलीग्राम। ठीक है ना, तो आंसर इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 18 मिलीग्राम आ जाएगा, यानी आंसर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है, तो आपने टोटल कितना मिलाया था? 3 ग्राम चारकोल मिलाया था, और वो 3 ग्राम चारकोल ने 54 मिलीग्राम जो होगा वो एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब किया। ठीक है ना, तो 1 ग्राम ने कितना एब्जॉर्ब किया? तो 1 ग्राम ने 18 मिलीग्राम जो है वो एब्जॉर्ब किया। आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द मॉलिकुलर मास ऑफ ए कॉमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टनिंग इज C8H7SO3Na, और इसका मॉलिकुलर वेट भी आपको दिया गया 206, यानी कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मॉलिकुलर फॉर्मूला भी दिया है और मॉलिकुलर वेट भी दिया है। कह रहा है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस बाय द रेजिन when expressed मोल पर ग्राम रेजिन। चलिए अब जरा हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए आपको एक बात ये पता है कि आप क्या करते हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हो, और इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सॉफ्टनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि C8H7SO3Na जो है वो रेजिन को मिलाया गया। ठीक है ना, ये रेजिन मिलाया गया और इसने क्या किया? कैल्शियम आयन का अपटेक किया। इसने यहाँ से क्या किया? कैल्शियम आयन का अपटेक किया, यानी कि कैल्शियम आयन को कंबाइंड किया। भाई आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से ही जो होता है वो हार्डनेस ऑफ वाटर आती है, तो अगर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन को हटा देते हो तो फिर वाटर सॉफ्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, अपटेक कैसे किया होगा इसने, इसके साथ रिएक्शन किया होगा कैसे किया होगा, जरा देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास कंपाउंड है C8 रेजिन है H7SO3Na, और इसने क्या किया? कैल्शियम आयन के साथ में रिएक्शन किया। तो अब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि कैल्शियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। बट ये तो 2 प्लस वाला है और ये 1 प्लस वाला है, इसका मतलब ये कि इसके दो मोल यहाँ पर लग जाएंगे।
बात समझ आई ना। तो इसके दो मोल यहाँ पर लग गए, और दो मोल लग गए तो बना क्या होगा, बना होगा C8H7SO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और ये कैल्शियम और प्लस टू सोडियम आयन जो होंगे वो रिप्लेस हो गए। इसने कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना लिया और कैल्शियम आयन को वाटर से रिप्लेस करना शुरू कर दिया, किसने, रेजिन ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन्स बाय द रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड मोल पर ग्राम रेजिन, यानी कि 1 ग्राम रेजिन ने, 1 ग्राम रेजिन ने कितने मोल जो है वो कैल्शियम का अपटेक किया, ये आपको बताना है। मोल ऑफ कैल्शियम पर ग्राम ऑफ रेजिन, मोल ऑफ कैल्शियम अपटेक पर ग्राम ऑफ रेजिन, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो बैलेंस रिएक्शन है। इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि 2 मोल जो होगा वो रेजिन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन। बस में 2 मोल ऑफ रेजिन जो होगा वो क्या कर रहा है, 1 मोल कैल्शियम आयन का अपटेक कर रहा है। 2 मोल की अगर मैं बात करूँ तो मोल इंटू क्या कर दूँ, मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ग्राम में आ जाएगा, यानी 2 × 206 ग्राम जो होगा वो रेजिन जो होगा वो 1 मोल कैल्शियम का अपटेक कर रहा है। देन 1 ग्राम ऑफ रेजिन जो होगा वो कितने मोल कैल्शियम का अपटेक करेगा, यही बस पता करना है। बस आप लगा दीजिए, सिंस 206 और ये हो जाएगा 412 ग्राम ऑफ रेजिन अपटेक 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन, देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ रेजिन तो 1/412 मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन, तो ये हो जाएगा इतने मोल कैल्शियम आयन पर ग्राम ऑफ रेजिन, ठीक है, बाय द 1 ग्राम ऑफ रेजिन, यानी कि आंसर जो होगा वो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गैसेस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 कंटेन 66% ऑफ CO2। आपको क्या किया गया, एक गैसेस मिक्सचर दिया गया, आपको क्या किया गया, एक गैसेस मिक्सचर दिया गया किसका, H2 का एंड CO2 का, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कि भाई 66% जो है वो किसका है, CO2 का है, तो इसका मतलब ये होगा कि 34% जो होगा वो कितना होगा, वो किसका होगा, H2 का। इसका मतलब अगर ये 100 ग्राम मिक्सचर है तो 66 ग्राम इसमें CO2 होगा और 34 ग्राम जो होगा वो H2 होगा। चलो भाई कोई बात कर, अब कह रहे हैं कि द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज, आपसे कह रहा है कि भाई वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको बताना है, तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी बताना है का मतलब क्या है कि आपको एवरेज वेपर डेंसिटी बताना है, आपको क्या बताना है, एवरेज वेपर डेंसिटी बताना है। अच्छा, वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिकुलर वेट इक्वल टू होता है, मॉलिकुलर वेट बाय 2 इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी। तो अगर एवरेज आपको ये चाहिए, एवरेज वेपर डेंसिटी चाहिए, तो फिर आपको एवरेज मॉलिकुलर वेट भी चाहिए, यानी कि मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर चाहिए, ठीक है ना। सॉरी तो यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर अगर आपको पता चल जाए तो उससे आप एवरेज वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। पहला टारगेट आपका समझ में आ गया कि मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर चाहिए, एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर चाहिए। चलो ठीक है भाई, क्या दिया है, दिया आपको वेट दिया है और यहाँ पर भी वेट दिया है, क्या इस वेट से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हमें हाइड्रोजन के मोल पता चल जाएंगे और CO2 के मोल पता चल जाएंगे, तो चलो भैया पता कर लो। हाइड्रोजन के मोल पता कर लिए तो 34 बाई कितना हो जाएगा 2, इसका मॉलिकुलर वेट कितना आ गया 17। CO2 के मोल पता कर लिए तो CO2 के मोल पता किए तो 66 बाई CO2 का वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट 44, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.5। तो टोटल मोल या मोल ऑफ मिक्सचर हम बोल दें, ठीक है ना, टोटल मोल बोल दें या मोल्स ऑफ मिक्सचर बोल दें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 17 + 1.5, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 18.5 आ गई। 18.5 तो हमें इसके टोटल मोल पता चल गए। अब मॉलिकुलर वेट अगर हमको पता करना है तो देखो मोल्स जो होता है ये इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट पता करना है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय मोल्स, ठीक है ना। अब ये वेट किसका, वेट ऑफ मिक्सचर बाय मोल्स ऑफ मिक्सचर, बोलो भाई ये क्या हो जाएगा, अब अगर आपको एवरेज मॉलिकुलर वेट पता करना है तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मिक्सचर बाय क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मिक्सचर। क्या वेट ऑफ मिक्सचर पता है, हाँ पता है, कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जो होगा वो वेट ऑफ मिक्सचर। मोल्स ऑफ मिक्सचर पता है, हाँ पता है भाई 18.5 ग्राम,
ठीक है ना, 18.5 मोल। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आती है 5.4। ठीक, तो मॉलिकुलर वेट आपको पता चल गया, यानी कि एवरेज मॉलिकुलर वेट ये इक्वल टू आ गया कितना, 5.4 आ गया। तो बस वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आपको कैलकुलेट करनी है, यानी एवरेज वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, 5.4 डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू 2.7 आ जाएगी। आंसर जो होगा वो 2.7 करेक्ट आंसर हो। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायरस पार्टिकल इज 6.02 × 10⁻²² क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम इसने दे दिया है और ये वैल्यू कितनी दे दी है, सिलेंड्रिकल वायरस है तो चलो भैया सिलेंड्रिकल बना लेते हैं ऐसी रफली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि भाई इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻²² क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है। चलो ठीक है भाई, कह रहा है कि हुज रेडियस एंड लेंथ आर 7 angstrom and 10 angstrom। तो लेंथ जो है वो दे दी गई 10 angstrom, बट यहाँ सेंटीमीटर वाला है तो सेंटीमीटर बदल लो, तो 10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो गई। और जो आपको रेडियस दे रहा है वो रेडियस आपको दे रहा है कितनी, रेडियस की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 7 angstrom, यानी कि 7 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ द वायरस, और आपको 4 डेटा यहाँ पर दिए हैं, इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। अच्छा पूछ रहा है आपसे मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरस, ठीक है ना, मॉलिकुलर वेट ऑफ वायरस। अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉलिकुलर वेट क्या होता है तो आप बोलोगे कि सर मोल इक्वल टू जो होता है वो वेट बाई मॉलिकुलर वेट होता है। अच्छा मोल की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, वेट बाई क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मोल का वेट पता कर लो, अगर आप 1 मोल वायरस का वेट पता कर लो तो फिर आप यहाँ पर बोल दोगे कि सर ये मॉलिकुलर वेट के इक्वल होगा, यानी यही मॉलिकुलर वेट होगा। वेट पास कैसे पता कर सकते हो, जरा यहाँ पर एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ये हुआ, और ऊपर भी अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब रख दूँ तो यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ग्राम ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको वेट मिल जाएगा। तो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वायरस, और ये क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप अगर वॉल्यूम ऑफ वायरस से स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर वेट की वैल्यू आ जाएगी, वो वेट जो होगा वो मॉलिकुलर वेट के इक्वल हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर ये वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम, यानी कि ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस, है ना। तभी तो आप इसको, इस वेट को मॉलिकुलर वेट के बराबर इक्वल टू बोल पाएंगे। बोलो भाई ये बात को समझ में आती है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, लेकिन हमको तो 1 मोल का चाहिए क्योंकि मोल मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या चाहिए, 1 मोल का चाहिए। तो चलो भाई लिख लो, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस। तो जब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस करेंगे तो ये हो जाएगा Na इंटू पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। अब Na की वैल्यू 6.022 × 10⁻²³ हो जाएगी, इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी 7 × 10⁻²² का स्क्वायर, इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा भाई। ये वैल्यू 10⁻ क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 6.022 × 10⁻²³ आती है, और इंटू 154 × 10⁻²³ आती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 154 आ जाएगी, सही है ना। ये 6.022 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि 10⁻²³ और -23 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या हुआ कि 1 मोल वायरस का वॉल्यूम पता चल गया। अब बस मॉलिकुलर वेट आपको पता करना है, तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया कि मॉलिकुलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वायरस, और बाय हो जाएगा क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। तो 1 मोल वायरस का वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.022 × 154, और बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात अगर करते हैं तो ये वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 6.02
इंटू टेंट पार माइनस टू, ठीक है ना। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आंसर आ जाएगा आपका 154 इंटू टेंट पावर टू, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1.4 इंटू टेंट पावर फोर है, तो वो ये आप कर सकते हो कि 1.54 इंटू टेंट पावर फोर ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ गई ना। तो आंसर आपका जो करेक्ट आएगा वो सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा।